नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको यहां पर बता दें कि जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर शरद पवार, जो कि NCP प्रमुख हैं, गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि शरद पवार ने यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें कही है। इस वक्त की अपडेट बता दें आपको कि शरद पवार, जो कि NCP प्रमुख हैं, उनका कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद एक वक्त तक हमारे साथ काम करते थे और उनका जो रवैया है काम करने का, वो बेहद ही अच्छा है। और जितने दिग्गज वो नेता है उसको देख कर उनके साथ बहुत गलत हुआ है। शायद कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ का भुगतान आने वाले समय में करना पड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार यहाँ गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन करते जिस तरीके से नजर आए हैं, आने वाले समय में गुलाम नबी आज़ाद शरद पवार का साथ दे सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ गुलाम नबी आज़ाद शरद पवार का साथ दे सकती हैं, और अगर इन दोनों का साथ ऐसे ही कामयाब होता रहा तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर गुलाम नबी आज़ाद अपनी कोई पार्टी बनाते हैं तो इसके लिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल भरा सफ़र शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद शरद पवार के साथ नजर आएंगे, शरद पवार गुलाम नबी आज़ाद के साथ नजर आएंगे। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार शरद पवार अगर गुलाम नबी आज़ाद का साथ दे रहे हैं तो उसके पीछे का क्या बड़ा कारण हो सकता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 News के साथ। धन्यवाद।